ट्रॉफी वो जीते, मैं जीतूँ, जीती हमारी यूट्यूब कम्युनिटी है, तो उसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ। मुझे अभी पता लगी मेरे को पॉलिटिकल सपोर्ट भी है। बहुत मज़ा आ रहा है कि फाइनली एक वाइल्ड कार्ड जीता। वो कोई लड़की है ही नहीं, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था मनीषा को दूर करने के लिए। हाय, दिस इज एल्विश यादव एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन इंडियन एक्सप्रेस। सो एल्विश, हिस्ट्री क्रिएट की है, उस बारे में क्या बोलना चाहोगे? मुझे अभी पता लगा आपने बताया हिस्ट्री क्रिएट करी। बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत मज़ा आ रहा है कि फाइनली एक वाइल्ड कार्ड जीता। कभी हिस्ट्री में 17 साल से नहीं जीता था और जीता तो मैं जीता, तो ये बहुत अमेजिंग फीलिंग है जी। आप लोग का वो भाईचारा आपका और अभिषेक का बहुत ही स्वीट था, और आप हमेशा कहते भी थे कि अभिषेक जीत भी जाए तो यू विल बी हैप्पी, बट कहीं ना कहीं जब उन्होंने क्वेश्चन किया था कि वो ना जीत पाएंगे, तब आपको वो लगा था कि अब तो मैं ही जीत के दिखाऊंगा? नहीं, जीत के दिखाऊंगा क्या होता, जीत गया मैं यार। ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने कि मैं इसको नीचे करके ऊपर हो जाऊं। जो होता ट्रॉफी वो जीते, मैं जीतूं, जीती हमारी यूट्यूब कम्युनिटी है, तो उसके लिए मैं काफ़ी खुश हूं जी। और इस शो में काफ़ी यूट्यूब कम्युनिटी को क्वेश्चन किया गया है, सो एल्विश कभी ऐसा लगता था कि यार हम तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, क्यों हमें इतनी सुना रहे हो? हाँ, लोग कम समझ रहे थे कि ये तो सोशल मीडिया का बंदा है, ये तो उतना नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, एक्टर्स अलग होते हैं, बड़े होते हैं। तो जवाब मिला उन्हें, फिर ट्रॉफी के साथ मैंने ऐसे फोटो खिंचाई तो जवाब मिला। और बहुत लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपके ऊपर बैकिंग थी इसलिए आप जीते हो, बहुत पॉलिटिकल सपोर्ट है। पॉलिटिकल सपोर्ट भी था क्या? मुझे अभी पता लगी मेरे को पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, तो जो भी सपोर्ट था, चाहे पॉलिटिकल चाहे सोशल, बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसा कुछ नहीं था कि मैं पीछे से लेके आया था कि भाई मैं तो बैकिंग रखना, ये करना वो करना, मुझे कुछ नहीं पता था। बाद में जब मुझे पता लगा, मैं खुद शॉक हो गया कि अरे ये सब क्या हो गया जी। अगर बिग बॉस की जर्नी आप याद करना चाहोगे एल्विश, तो किस बारे में और किसके लिए याद करना चाहोगे? इन सबका अलग अलग महत्व है मेरी लाइफ में। जैसे पूजा जी के साथ मैंने कुछ अलग लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करे हैं, अभिषेक के साथ मैंने अलग करे हैं, मनीषा के साथ मैंने मस्ती करी है, और बेबिका की खूब बेइज्जती करी है मजाक मजाक में, तो वो चीज़ें मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। और आपने गलतियाँ की, आपने सॉरी बोला, आपने उस पर इम्प्रूव किया, क्या लर्निंग्स के साथ वापस जा रहे हो? ये मैं पहली बार ही बता रहा हूँ यहाँ पे ना, पेशेंस, एंगर मैनेजमेंट और घर वालों की जो उनके साथ टाइम बिताने का स्पैन होता है वो बढ़ाना चाहिए हमें, और घर वालों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। बट जब सलमान खान से डांट पड़ रही थी एल्विश, क्या चल रहा था, क्योंकि आप काफ़ी इमोशनल भी हो गए थे? नहीं, उन्होंने डांट नहीं मारी, आपने ढंग से नहीं देखा, उन्होंने बहुत प्यार से समझाया मुझे, एक बारी नहीं कई बारी। और जब मैं थोड़ा ज़्यादा सोच रहा था, उन्होंने ये भी बोला कोई बात नहीं, सीखो, आगे बढ़ो, एज अ बिग ब्रदर उन्होंने समझाया, जो कि मैं समझा भी, उन्होंने डांट नहीं मारी। बिग बॉस 17 के लिए फैंस एक्साइटेड है, एल्विश सोच रहा है उसके बारे में? मैं उसको ज़रूर देखूंगा बाहर से। ऐसा मैंने अभी सोचा नहीं कि उसमें जाऊँ ना जाऊँ, बट अभी आई एम ऑन अ ब्रेक उस चीज़ से कि मैं इतना दूर अपने घर वालों से रहा, पहले मैं उसको हजम करूँ, फिर सोचेंगे जी बाद में। लास्टली ये पूछना चाहेंगे कि मनीषा ने काफ़ी आपसे फ्लर्ट किया बट आप हमेशा उनसे दूर है, क्या रीज़न था, कौन है वो लड़की जिसके लिए आपने कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी मनीषा को? वो कोई लड़की है ही नहीं, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था मनीषा को दूर करने के लिए। लास्टली एल्विश, फैंस के लिए कोई मैसेज बोलना चाहोगे? फैंस के लिए बहुत सारा प्यार, और यू आर नॉट माई फैंस, यू आर फैमिली, जो इतना सपोर्ट करा, जो मैंने बाहर निकल के देखा, तो सबको दिल से बहुत ज़्यादा प्यार। मेरे पास वर्ड्स कम हैं, तो समझ जाना तुम मेरी ये वाली फीलिंग सिस्टम वाली।